जय श्री महाकाल। मैं आपका अपना भाई सूर्य आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर और सूर्य 2.0 पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आ चुका हूँ एक ऐसी खतरनाक लोकेशन पे जहाँ पे बोलते हैं कि इतना ज्यादा खतरनाक सा एटमॉस्फेयर है और इतनी खतरनाक सी चीजें यहाँ पे हो सकती है। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार और जो मेरे हम उम्र साथी है उनको दिल से बहुत सारी रिस्पेक्ट। वक्त हो रहा है अभी का 7:11, एक्यूरेट 7:11 हो रहे और इस लोकेशन पे मैं अकेला हूँ। यहाँ पे जहरीले सांपों के साथ में कुछ ऐसे इंसिडेंट या भूतिया घटनाएं भी होती है जहाँ पे लोग रात को नहीं रुक सकते हैं, वहां मैं अकेला रुकने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखने वाली बात रहेगी कितना मैं यहाँ पे सर्वाइव कर सकता हूँ या नहीं। तो इस वीडियो में मैं चाहूंगा कि आप लोगों का साथ कंटिन्यूस बना रहे शुरू से लेकर एंड तक। मैं इस वीडियो में ऐसी ऐसी चीजें एक्सप्लोर करने वाला हूँ या ऐसी ऐसी चीजें देखने वाला हूँ जो शायद मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। यहाँ पे बोलते हैं बहुत ज्यादा जहरीले सांप हैं जो इंसानों की जिंदगी से रिलेट करते हैं। डर वाकई में ज्यादा है। कैमरा कहीं भी होता है तो प्लीज माइंड मत करना, क्योंकि मैं अकेला हूँ और अकेले को मुझे कैमरे को हैंडल करना होगा, क्योंकि एक पूरा वीडियो जो बोलते हैं वो तैयार करना है तो मुझे अकेले को वो सारी चीजें मेंटेन करनी होगी। चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का साथ सपोर्ट जो आप लोगों ने बनाए रखा है वही एज इट इज कंटिन्यू बनाए रखना। मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा मेहनत करने में और उस मुकाम को हासिल करने में जो मैं या आप लोग एक सपना देख करके बैठे हो मेरे लिए। थैंक यू सो मच, आप सभी को दिल से शुक्रिया जो इतना प्यार देते हो और एक अपनापन सा जताते हो हर वक्त। जल्दी एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि स्मेल आना स्टार्ट हो गई है, कुछ गंदी सी स्मेल आ रही है। भाई मैंने अपने हाथ में ले लिया कैमरा और अब मैं बढ़ रहा हूँ क्योंकि स्मेल ज्यादा है और यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं अकेला हूँ, हो सकता है मुझे कैमरा वाइड करना पड़े। तो सामने जो है मेरा एक कुआं नजर आ रहा है और बोलते हैं कि यहाँ पे जितने कुएं हैं वो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इनमें सांप रहते हैं जहरीले से और इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो इंसानों तक को निकल जाए। आगे रखता हूँ कैमरा। तो ये एक कुआ है, हो सकता है इसमें भी सांप हो लेकिन अभी तक तो कुछ नजर आया नहीं, बट स्टिल हो सकता है भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है मुझे, मैं आप लोगों के साथ में दिखाना चाहूँ। ये देखो भाई जो है यह सांप की कैचुली है यहाँ पे, ये तो भाई सांप तो है इसके अंदर कहीं ना कहीं, बस मुझे दिखाई नहीं दे रहे, हो सकता लाइटिंग की वजह से हो। सांप की केचुली मुझे यहाँ नजर आ चुकी है तो मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ और पूरी जगह एक्सप्लोर करूंगा। अकेला हूँ लेकिन साथ आप लोगों को चाहता हूँ इस जगह पे कि आप लोग मेरे साथ में रहो। इधर सामने ओ भाई बाप रे, ओ भाई साहब ये देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, ये सामने है आप लोगों की। ओ भाई साहब देखो भाई, नुकसान पहुंचाने नहीं आया भाई, ये सही टाइम पे मैंने जो है रोशनी कर ली थी, अदरवाइज तो आज काम लग चुका था मेरा। यहाँ पे पूरी तरह से पानी भरा रहता है, अब रोकना तो इम्पॉसिबल सा है। मैं भले टेंट लेके आया हूँ लेकिन ओ भाई साहब भाई जा रहा है खतरनाक सी जगह पे, आज मैंने अकेले रुकने का डिसीजन लिया है भाई, इसमें कुछ खाया हुआ भी है। चलता हूँ थोड़ी देर पीछे पीछे, परेशान नहीं करूंगा, मैं परेशान करना चाहता नहीं हूँ। हो सकता है इससे भी ज्यादा बड़े बड़े सांपों से सामना करना पड़े मुझे आज, और यहाँ पे सामने पानी भरा हुआ है पूरा भाई। सॉरी यहाँ पे नुकसान पूछा नहीं हुआ है किसी भी तरह से, अकेला होते हुए फट रही है मेरी लिटरली। देखो भाई कोई मजाक नहीं है ना, कोई एडिटिंग है, VFX भी नहीं है भाई मेरे भाई, मुझे सच वाकई में मेरे को बस सुना हुआ था कि यहाँ पे सांप वगैरह है लेकिन भाई वो तो थे नहीं कहीं भाई, सिकुड़ के बैठ गया, मैं हाथ नहीं लगाना चाहता, मैं इसको छोड़ूंगी तो कैसे छोड़ूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल का डर है, एक्सट्रीम लेवल का भाई सांप। मुझे हो सकता है कैमरा सामने रखना पड़े क्योंकि ठंडा है यहाँ पे, इसलिए ये बाहर निकलते होंगे। क्या करूँ भाई, इसको छोड़ के आगे चलूँ,
इतनी अकेले की फट तो रही है भयंकर वाली। मैं ना भाई अकेले की मेरी फट रही है, और ये लिटरली यहाँ पे है मेरा, मुझे नहीं पता इसमें नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये मैं कैंपेन का पूरा सेटअप लेके आया था यहाँ पे, टेंट वगैरह लेके आया हूँ, लेकिन यहाँ पे टेंट में भी सेफ नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि ये अभी भी अंदर आ सकते हैं यहाँ पे। मेरे पैरों में वाइब्रेशन ही हो रही है भयंकर वाली भाई। सॉरी और मैंने परेशान किया हो आपको तो, बट मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ और निकलना होगा भाई यहाँ से आके। ये तो गड़बड़ है, गड़बड़ है भाई, यहाँ पे रुकना मुश्किल है भाई। ऐसी जंगल मतलब ऐसी जगह पे मैं इतना ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ सांप के होते हुए, और मैं किसी इंसान की नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे किसी इंसान का भूत प्रेत का डर भाई साहब कुछ गया है यहाँ से निकल गए भाई। शिट ये बैठ चुका है अपनी कुंडली मार के, जम चुका है वो, देखो वो देखो देखो, कहीं मैं दूर से दिखाऊंगा। देखो भाई इतना जहरीला है कि एक बार अगर काट लिया तो पानी भी नहीं मांगूंगा, ना मुझे कोई पानी पिलाने वाला आएगा यहाँ पे। तो इतना जहरीला ही दिख रहा होगा आप लोगों को, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से आगे की तरफ, रास्ता शोर की और कुछ ना हो। भाई कहाँ गया वो भाई, गायब हो गया, गायब हो गया भाई साहब। भाई लिटरली मैंने अभी उसको यहाँ देखा था, कुछ सेकंड में वो गायब हो गया। मैं रास्ता की तरफ ही रखूंगा कैमरा क्या, ताकि मेरे को रोशनी नजर आती रहे। लिटरली मेरी ना फट रही है, अकेला हूँ इसलिए फट रही है, अदरवाइज आनंद भाई होते ना तो भी इतना ज्यादा डर नहीं लगता। बाप भाई साहब, और फर्स्ट वो ऐसे खड़ा था उस टाइम में, वापस जाके देखते थे मेरे, लिटरली मैं पैरों में कंपन सा हो रहा है, लेकिन फिर भी जाके देखू या वो पता नहीं कहाँ चला गया, पैरों में ना आ जाए भाई। मैं चलता हूँ आगे की तरफ, आप लोग प्लीज वीडियो में बने रहना, मेरा साथ आप लोग ही हो और कोई नहीं है यहाँ पे। मैं चल रहा हूँ अकेला यहाँ पे, अभी फिलहाल मैं अकेला चल रहा हूँ। रोशनी मैंने थोड़ी सी सामने भी है मेरे, और कुछ मेरे फेस पे भी है। अगर ज्यादा आ रही हो मेरे फेस पे रोशनी तो प्लीज माइंड मत करना है इस चीज को, क्योंकि लिटरली मेरी फट रही है भाई। ये वो जो पानी बोल रहा था ना, ये है पानी यहाँ पे, देखो ये पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे सांप 101% है, वो देख चुके होंगे आप लोग। और इसके अलावा यहाँ पे हो सकता है मछलियाँ भी हो इसमें, मैं कुछ नहीं कह सकता, बट सांप। ओ भाई ये रहा एक और, ये देखो ये रहा। नहीं भाई नहीं, रिस्क है सूर्या, रिस्क है भाई यहाँ पे सूर्या, यहाँ रुकना गलत हो सकता है बेटा, तेरे लिए गलत हो सकता है, किसी और के लिए नहीं। सूर्या भाई मेरे को प्रॉपर ऐसे रखना पड़ेगा, माइंड मत करना वीडियो में कुछ भी अगर ऐसा गुस्सा होता है तो, कि मुझे इन सांपों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि किसी एक ने भी मुझे कहा काट लिया ना तो पानी पिलाने वाला मेरे को कोई बचेगा नहीं, और यहाँ मेरी आवाज़ सुनने वाला भी कोई है नहीं, तो डर के साथ में मतलब ना मेरी लाइफ का एक ऐसा एडवेंचर होने वाला है जिसमें रिस्क इतना ज्यादा है कि मौत मेरे पास आसपास ही रहेगी। नो वर्ड्स, किसी भी चीज के लिए कोई शब्द नहीं है, बट हाँ यहाँ पे सांप है, दो मैं देख चुका हूं, और यहाँ पे बोला गया कि पूरा डेरा लगता है सांपों का। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा सेफ रहने की, कि यहाँ पे जहरीले सांप है और बाहर भी निकलते हैं तो डर तो एक्सट्रीम है। मैं भाई पूरे इस भीड़ में मैं हूँ अकेला, मतलब पूरी जगह सुनसान सी है और मैं अकेला हूँ यहाँ पे। इससे ज्यादा तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आप लोग समझ गए होंगे अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो। भाई क्या है, वक्त ज्यादा नहीं हुआ बट टाइम भी दिखा तो, ये देखो भाई टाइम टाइम ज्यादा नहीं हुआ है यहाँ पे, मतलब कोई आके गया है या तो शायद, क्योंकि यहाँ जली भी है। सांपों का सबसे बड़ा डर है, बाकी किसी का नहीं है। इंसान हो तो इंसान से भले मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन सांपों से नहीं भाई, से लड़ पाना मेरे बस की बात नहीं।
कहीं पैरों में भी चलता हुआ आ गया ना तो हाँ जिंदगी खत्म भाई। सब बराबर है मेरा, ये कोई शायद कुआ है यहाँ पे भाई साहब, कितने कुएं हैं यहाँ पे। वो सेफ रहना होगा भाई एक जगह पे, जब तक सेफ में रहूंगा तब तक दिक्कतें पैदा हो सकती है मेरे को। और यहाँ पे सांप 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 भाई, मैंने वो देख लिया था इसलिए मेरी फट रही है और बहुत भयंकर वाली। और यहाँ पे कांटे भी है, चूल्हा है बनाया हुआ किसी का, मतलब बहुत टाइम पहले शायद पे आया होगा यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले इसको देख लेता हूँ यहाँ पे इसमें क्या है। इसमें तो नहीं है ना कोई सांप वगैरह, क्योंकि ये पूरा ना नदी से कनेक्ट है और नदी में ये कुएं बने हुए हैं भाई। इसमें तो कुछ लग नहीं रहा मेरे को कि कोई है। यहाँ डर बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम लेवल का डर है। तो सांप के लिए बोला गया ना वो है यहाँ पे, मतलब यहाँ कोई माइका लाल नहीं है जिसमें दम हो कि वो रुक जाए पूरी रात यहाँ, जहाँ पे मैंने अकेले आने का फैसला किया है। आनंद भाई तक को इन्फॉर्म नहीं करा मैंने यहाँ इस लोकेशन पे आने के लिए, क्योंकि पर्सनल परेशानियाँ जो है उनकी वो पीछा नहीं छोड़ रही है। और वो पर्सन जब होते हैं तो वैसे भी लाइफ में ना पॉजिटिविटी बनी रहती है, एक चाहे लोकेशन हो कितने भी खतरनाक लेकिन पॉजिटिविटी रहती है। मैं अभी इतना ऊपर भी खड़ा हूँ ना भाई, लेकिन तो भी लिटरली मेरी फट रही है कि भाई सांप कहीं से आना जाए। अब यहाँ से थोड़ा और चलूँ भाई, और सांप तो नहीं है, वो सांप है क्या है मुझे, बड़ी दलदल है इधर, पैर रख दिया कहीं फंस गया तो मैं हूँ अकेला। कोई बात नहीं भाई, मैनेज करेंगे, आप लोग मैनेज करने की कोशिश करना मेरे से ज़्यादा, डर का मैं फील कर पा रहा हूँ, डर तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ मतलब मैं नहीं कह सकता कि कितना ज़्यादा संभाल पाऊँगा अपने आप को, पर मैं ना चले जा रहा हूँ यहाँ पे। भाई कोई इंसान है ना, कोई इंसान की जात यहाँ पे, बस डर है तो सांपों का। मुझे लगता है कि यार मैं कोई खार, भाई ये क्या है सांप तो नहीं है भाई, सो सांप जैसे लग रहा है। और अब यहाँ ये लकड़ियाँ नहीं है, गलत फहमी हो ना किसी की, तो निकाल देना कि लकड़ियाँ है। वो है सांप जो सामने नजर आ रहा है, देखो तीन है और जिंदा है तीनों के तीनों। इसमें और भी है जो मैंने जो मैं देख पा रहा हूँ भी, इन तीन के अलावा यहाँ पे और एक केरा एक केरा केरा तीन के अलावा और भी है यहाँ पे, इनको मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। है तो सही, इसमें मुझे अभी नजर आया था वहां पे नीचे की तरफ कुछ, ये कुआ और इतना भयानक लग रहा है देखिएगा से भाई, सांपों देख के एहसास लो एक बार भाई। बोले शिट भाई, एक चला गया है कहीं, वो एक कहीं गया है, एक कहीं गया है भाई, कहाँ जा सकता है, बाहर तो नहीं आ गया कहीं, बाहर तो नहीं आ गया ना। ओ भाई क्या गायब हो रहे, कहीं जा रहे हैं भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा, मिली सेकंड्स में कहाँ के कहाँ चले जा रहे हैं। भयानक, अब इस भयानक से कुएं के पास में आ चुका हूँ, हो सकता है और भी कोई कुआ हो यहाँ पे तो एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन इस कुएं में मैंने तीन सांप देखे हैं और इससे पहले दो सांप देख चुका हूँ जो आप लोगों ने देखे होंगे। डर लग रहा है, स्टे कहाँ करूंगा, नीचे तो स्टे कर नहीं सकता भाई, नीचे गेम लग नहीं सकता मेरा, कोशिश करूंगा यहीं कहीं एडजस्ट करने की।
भाई जल्दबाजी में मैं जो है वो सेटअप दिखा नहीं पाया कैसे क्या खड़ा, लेकिन भाई साहब हवा चलने लग गई है और टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, 9:30-10:30 का टाइम हो रहा है अभी। मैं ढूंढ लिया तो फटाफट चाय बना, मैं सारा सामान तो निकाल लिया बाहर जल्दी जल्दी कर करके, लेकिन वही अब जलाना तो है मुश्किल टास्क रहेगा एक। मैं ज्यादा दूर से काट रही, लेकिन यार मेरी फट रही थी भयंकर वाली, जुहार कर रहा हूँ जल्दी जल्दी आ जाइए। तो डर लग रहा बहुत भयंकर, वो सांप देख लिया था और उसके बाद में मैंने एक नहीं उसके अलावा 4-5 सांप और देख लिए मैंने, और ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है। मैं जैसे जैसे करके मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पूरी रात तो निकालनी है यहाँ पे, तो आग जलाना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा और आग के साथ में सेफ रहना ज़रूरी रहेगा, इधर उधर ध्यान रखना भी ज़रूरी रहेगा क्योंकि कहीं से भी कुछ भी हो सकता है भाई। कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई रोशनी नज़र आ रही है ना ही कुछ और। भूलेगी मेरी चाय, सारे काम एक साथ कर रहा हूँ भाई। मैं इतना ढील नहीं दे सकता क्योंकि मामला बेहद खराब है, फटाफट चाय चढ़ा देते बन जाए तक सेफ रह जाऊँ। बस उम्मीद यही है कि कुछ हो ना तो मेरे साथ में, नहीं यहाँ के जीव जंतुओं के साथ में, लेकिन मेरी फट रही है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। चाहता हूँ हर एक चीज़ को बारीकी से दिखाने का, लेकिन ऑप्शन नहीं है ना भाई मेरे पास। मेरे को जितना जल्दी हो सकेगा सबसे पहले चाय और ये आग जो है मेरे को कंटिन्यूस रखनी होगी, नहीं तो मेरे दिक्कत हो सकती है। कांटों में कहाँ गिर रहा है यार तू, टूट के जाए देखो, कांटे ही ऐसे रख सक रहे मेरे को।
भाई ऐसी खतरनाक जगहों पे वैसे ना दूध लेके आना चाहिए ना ही मीठा खाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज आपके अंदर तब एंटर होती है जब आप मीठा खा के निकलते हो घर से, या फिर ऐसी कोई चीज लेके निकल रहे हो जो उनको पसंद हो। अगर आप मीठा खा के निकलते हो देन उसके बाद कहते हैं कि किसी की बॉडी में किसी की रूह एंटर हो गई है, तो वो इसलिए होती है क्योंकि उनकी जो ख्वाहिश होती है मीठा खाने की या कुछ और ऐसी, वो चीजें अधूरी रह जाती है, उस चीज को वो पूरा करने के लिए किसी और की बॉडी में एंटर होते हैं। तो ऐसे होते हैं वो सारे काम जो आप बोलते हो ना कि मीठा खा के जाते हैं तो ऐसा हो जाता है, दूध लेके जाते हैं तो ऐसा हो जाता है, तो वो इसलिए ये सारी चीजें होती है, इसका ये लॉजिक है अगर सीधा सीधा मैं कहूँ तो। छोड़ना ना बहुत मुश्किल है, एक इंसान को ऐसी जगह पे रुक पाना ही मुश्किल है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई यहाँ पे मेरे साथ रात रुकना चाहता है या फिर यहाँ इस ऐसी जगह पे अगर कोई रुक सकता है तो चैलेंज है भाई मेरा, कोई भी हो एक्स वाई जेड वो एक्सेप्ट कर लेना और यहाँ पूरी नाइट स्टे करके बता देना जैसे मैं कर रहा हूँ ना। चीज मैं अपने आप को मैं इगोस्टिक होकर नहीं बोल रहा हूँ, बस ये जो यहाँ का डर है यहाँ का जो एटमोसफियर है वो बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल का डर है और कोई मायका लाल नहीं है जो भाई ऐसी चीज कर ले, फट जाएगी, फट के पता नहीं कितने लड़ा हो जाएगी, 3, 4, 5, 8 भी हो सकती है, फटाफट देखता हूँ मैं चाय कितनी बननी है। चाय गिर चुकी है भाई, तो बना रहा था, कुछ लोगों को ना मजाक लगेगा ये क्या हो रहा है, लेकिन भाई मैं जानता हूँ क्या हो रहा है, और जगह पे कोई नहीं है, एक और भावड़ी देख के आया था ना उसमें सांप देखे थे मैंने, मैं मेरा मन नहीं कर रहा इस जगह को छोड़ के जाने का, चाय तो बन रही है लेकिन डर के ऊपर काबू पाना मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि चीजें आपके साथ में वैसी आ नहीं हो रही है जैसी आप सोचते हो। अरे यार भाई मेरी ये चाय गिर गई ना तो मेरा मुश्किल हो जाएगा वापस यहाँ से चाय बनाना, क्योंकि मेरे पास तो था जो मैंने डाल दिया इसमें, दिक्कत तो आएगी भाई, ऐसा नहीं दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत तो आएगी, मैं जाता हूँ तब तक और कांटे ढूंढ के लाता हूँ, चलता हूँ थोड़ी दूर, इस कुएं की तरफ जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है, रिस्की है यहाँ पे, मतलब यहाँ जाना और अपनी मौत को गले लगाना एक्सेक्ट सेम चीज है, बराबर है दोनों। टाइम ये हो रहा है भाई, पता नहीं
गड़बड़ है यहाँ पे, कोई भी सांप नजर नहीं आ रहा। आया था तब मैंने बहुत सारे देखे थे और बीच बीच में मैंने रिकॉर्ड भी करे ये सारे सीन जो यहाँ पे हो रहे हैं। लेने आया था, थोड़े से काटे मुझसे काम हो जाएगा फिलहाल तो, और ले लूंगा बाद में। मेरी आग बंद हो चुकी है, वाली चल रही थी अभी। चाय का तो पूरा पूरा हाल है। ये रात है, लेके आया था मैं, इससे काम हो जाएगा क्योंकि मेरे को रात में ना बाहर निकलने की इच्छा होगी नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने यही सोच के आया था, क्योंकि जगह पर मुझे सर्वाइव करना है तो ज़्यादातर मुझे अंदर ही रहना पड़ेगा, बाहर नहीं निकल सकता मैं, बाहर पैर पैर पे सांप का खतरा है। भाई जब तक मेरी चाय बनती है तब तक मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ डर है, और उसके अलावा बाकी ऐसी चीज़ें हो रही है जिनको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कोई एक आवाज़ का होना, देन उसके बाद ये मेरी जो चाय की पतीली थी इसका उल्टा होना, इसमें से चाय गिर जाना और पत्थरों का इधर उधर खिसकना, ऑटोमेटिकली हो रहा है ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, और इससे पहले जो है इतनी भयंकर हवाएं चल रही थी जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अभी तो खैर हवाएं रुक चुकी है, लेकिन उस वक्त में जो हवाएं चल रही थी ना वो तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये बड़ी मुश्किलों से मैंने इसको सेटल कराया, और अगर मैं वो दिखाने जाता तो शायद बहुत कुछ हो जाता ना। एक जगह मेरा कैमरा होल्ड हो पा, इतनी तेज हवा थी कि कैमरा भी होल्ड नहीं हो पा रहा था, कैमरा भी गिर रहा था बार बार। फटाफट से बस चाय बन जाएगा, उसके बाद चाय पीते हैं फिर बात करेंगे। चाय बनके तैयार हो चुकी है और काफी टाइम हो गया बनते बनते, चाय लगभग लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी जितनी भी रहेगी जितने से भी जान आती है वो जान लेता हूँ। शरीर में चाय गिरते गिरते आई थी भाई, जितने बने थे उसकी आधी की आधी रह गई है। तो बात नहीं, थोड़ी देर चाय पीते। चाय गिर भी गई थी और बहुत गंदी स्मेल आ रही है, बहुत चाय बनी है रस मलाई गरम्बर, बस ये स्मेल की वजह से बहुत खराब लग रही
Oh!